हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं इस वक्त खड़ी हूँ अपने किचन में, रात का टाइम हो गया है। एंड मैं इस वक्त इसलिए सूट कर रही हूँ बिकॉज मैं एक बना रही थी DIY, बिकॉज वेडिंग सीजन है और मुझे भी मतलब 3-4 दिन बाद अपने भाई की शादी में जानी है, मेरे कजन ब्रदर की शादी है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, बट मेरा फेस इतना एक्साइटेड नहीं लग रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा डल हो गया है भाग भाग के भाग भाग के। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े दिन पहले से ही हम DIY लगाना स्टार्ट कर दे ताकि फेस थोड़ा बहुत ठीक हो जाए एंड मैं थोड़ी बेटर दिखूँ अपने घर की शादी में। यार मायके वाले क्या बोलेंगे, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? तो मैं एक DIY बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए वो, क्योंकि वेडिंग सीजन आ गया है, सबको जरूरत है, सब अच्छा लगना चाहते हैं। एंड बहुत ज्यादा शादियां हो रही, इतनी ज्यादा शादी हो रही है कि मतलब सिर्फ शादी ही शादी हो रही है। तो ये एक DIY ऐसा है जो कुछ दिनों पहले मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था और उन्होंने अपने फेस पे कहीं फेसबुक से आए देखा था, क्रेडिट गोज टू फेसबुक एंड माई मॉम, उन्होंने वहां पे देखा एंड उन्होंने अप्लाई किया एंड कुछ दिनों बाद उनको अच्छे रिजल्ट्स दिखे, तो उन्होंने मेरे को भी शेयर किया। एंड मैंने सोचा क्यों ना अगर मम्मी को इतना अच्छा लग रहा है और उनको भी फायदा हो रहा है तो क्यों ना मैं भी वो ट्राई करूँ। तो लेट्स बिगिन द DIY। और किचन में ही मैं खड़ी हूँ, ये देख लो, ये है मेरा प्यारा सा किचन, छोटा सा किचन। तो यहीं पे हम वो DIY बनाएंगे और आपके साथ में शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो DIY गाइस हम बनाने वाले हैं, इसमें जो हमारा जो पहला इंग्रेडिएंट होगा वो आलू। तो आलू को मैं ग्रेट करके उसका जूस निकाल लूंगी, क्योंकि आलू हमारे स्किन को बहुत ही ज्यादा टैनिंग हटाने में, जो भी डलने से डार्कनेस है उसको हटाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या एग्जैक्टली ये तो मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, बट बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। मुझे इतना पता है कि स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करता है आलू, सबके लिए इफेक्टिव होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो तब मत लगाना, बिकॉज मेरी भाभी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उनको बहुत कुछ भी चीज़ लगाओ ना तो रिएक्ट कर जाती है, बट मुझे तो नहीं करती है थैंकफुली गॉड की कृपा से। तो बस आप एक बार टेस्ट कर लेना कि आप कुछ हो तो नहीं रहना आपकी स्किन पे, अदरवाइज अगर हो रहा हो तो मत लगाना, नहीं तो स्टार्ट करते हैं DIY बनाना। तो मैं इस आलू ले लिया है मैंने, आलू को पहले मैं थोड़ा सा काट लूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आलू हमको नहीं चाहिए। तो मैं आलू को मैंने काट लिया है और इसको मैं अभी थोड़ा सा पील कर लूंगी। तो इसके लिए मैं ले लेती हूँ एक प्लेट, और इस प्लेट में मैं ऐसे, आपको सब कुछ दिखना चाहिए यहाँ वीडियो में, तो मैं इसको ऐसा पील कर लूंगी इस तरीके से एंड पील करके फिर हम इसको ग्रेट करेंगे। थोड़ा साइड कर देती हूँ एंड ग्रेट करके फिर हम इसका जूस निकालेंगे। तो मैं डायरेक्टली जिस बाउल में हमको बनाना है मैं उसी बाउल में ही ग्रेट कर लेती हूँ डायरेक्टली। गिर गया था तो हम दूसरा बाउल ले लेते हैं एंड इसमें हम वो जो आलू है उसका, हम जो पोटैटो है हमारे पास उसका जूस हम निकाल लेंगे इसमें इस तरीके से। सारा जूस देखो अब निकल गया है यहां पे, और जो ऊपर में था इसको भी पास ले लेती हूं एंड इसको जैसे हम फटाफट जूस निकाल लेंगे एंड इसको मैं इसमें ही डाल के, तरह हमारा आलू का उसमें जूस निकल गया है। मेरे पास पैकेट में ही है बेसन ऐसे ही रखी हुई, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा बेसन इसमें डाल लेंगे, अंदाजन जितना आपको बनाना है उसके हिसाब से बेसन डाल लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारी कॉफ़ी। कॉफ़ी तो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है ना स्किन के टैनिंग वैनिंग को रिमूव करने में, बस सेंसिटिव स्किन वाले को ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी अदरवाइज तो सबको ही बेनिफिट ये देता है। उसके बाद हम डाल लेंगे एलोवेरा जेल, मतलब जो भी ये नॉर्मल डेली यूज वाली चीज़ें हैं ना उसको आराम दो, कैसे आवाज़ हो रही है। तो ये आप डाल लो, एलोवेरा जेल डाल लिया, थोड़ा सा मैंने ग्लिसरीन इसमें ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो वरना आप मत डालो, ग्लिसरीन मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने थोड़ा सा डाल लिया, बिकॉज ये सारी प्रॉपर्टीज ना आपके स्किन को इतना ना बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप कर देगी। तो देखो थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है हनी, यस ये देखो इसमें कई हनी, इतना अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा ना इससे, बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा नहीं बहुत ही अच्छा पेस्ट तैयार हो जाएगा हमारे स्किन के लिए। और मैं थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नींबू का रस, थोड़ा सा डाल देंगे क्योंकि इतनी चीज़ें हमने ऑलरेडी डाल दी है इसमें। एंड ये देखो हमारा सारे इंग्रेडिएंट से भरा जो पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा इसमें।
बहुत ही अच्छा। इसमें तो मैंने गुलाब जल को अभी स्किप ही कर दिया है कि मैंने गुलाब जल नहीं डाला, ये थोड़ा सा पतला हो गया, तो हम इसमें हल्की सी बेसन की क्वांटिटी और मिला देंगे। देखो इसमें मैंने बेसन की क्वांटिटी और डाल दी है, तो थोड़ा अभी ये इस तरीके से हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो गया। अब इसको आप स्टोर भी कर सकते हो, 2 दिन फ्रिज में बना के 2-3 दिन आप स्टोर भी कर सकते हो। अब इसको हम फटाफट लगाएंगे अपने चेहरे पे और लगा के फिर हम इसको रखेंगे 10 मिनट एटलीस्ट, घड़ी देख के 10 मिनट रखना है, और उतने दिन में ये आपकी स्किन पे पूरा ऑब्जॉर्व हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को रिपेयर करने में लग जाएगा जितनी देर आप रखोगे। एंड नाइट में इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बिकॉज नाइट में एक्चुअली आपकी स्किन को जो रिपेयरिंग होती है, हमें कुछ कहीं करना नहीं होता है, सनलाइट में एक्सपोज नहीं होना पड़ता, बस हम सो जाते हैं लाइट वगैरह ऑफ करके, लाइट का एक्सपोजर भी नहीं मिलता है, तो इससे हमारी स्किन ज़्यादा हील होती है। तो ये रीज़न है कि नाइट का केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा केयर तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट आई ट्राई कि कुछ ना कुछ DIY या एटलीस्ट बेसन से ही मैं अपना फेस वॉश कर लूँ ताकि स्किन थोड़ी सी हेल्दी रहे, इतना ट्राई तो मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो कभी कभी तो ऐसे ही सो जाती हूँ, बट आप मत सोना। तो चलो DIY को लगा लेते हैं फेस पे, ये बिंदी बिंदी हटा के। तो पेस्ट लगाने से पहले आप अपने फेस को जरूर क्लीन कर ले अच्छे से, गुलाब जल से या वाइप से या फिर नॉर्मल पानी से आप वॉश कर ले आप चेहरे चेहरे को, ताकि गंदे फेस पे नहीं लगाना चाहिए इसको, तो नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम इसको अभी क्लीन कर लेंगे, एंड मैंने अपना फेस नॉर्मल पानी से ही धो लिया है, एंड इस पेस्ट को हम बस लगाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से हम अपने पेस्ट को अपने फेस पे लगाएंगे। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो, मेरे पास तो ब्रश वश नहीं है तो मैं नॉर्मल अपने हाथों का यूज करते रहो, मुझे तो वही सही लगता है। ये देखो ये क्या है, एलोवेरा जेल डाला है हमने, कॉफी डाला है इसमें, आप चाहो तो थोड़ी सी हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं। देखो आईब्रो वगैरह सब पे लग गए, कोई नहीं सब रंग जाएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। तो ये वाला फेस मास्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मम्मी का ट्राई किया हुआ है, मम्मी ने ट्राई किया था, उन्होंने ही मुझे बताया इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए। एंड आलू तो बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं आपके टैनिंग को एंड आपके जो डार्कनेस है जो डलनेस है उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जब आपको डी टैन करना रहता है या फिर कुछ बहुत ऐसा जो डलनेस डार्कनेस आ जाती है, तो हमेशा कोई भी आलू को बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, आलू या राइस वाटर, फर्मेंटेड राइस वाटर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देखो मेरे आईब्रोज पे लग गई है, इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, एंड इसको आपको अपने स्किन पे रखना है ऐसे, मैंने वैसे पूरी जगह लगा, आप चाहो तो नेक पे भी लगा सकते हो, थोड़ा हैंड्स पे भी लगा सकते हो, मैं तो हैंड्स पे भी लगा लेती हूँ, बट अभी कैसे लगाऊँ क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है तो मैं हैंड्स पे नहीं लगा सकती हूँ, तो मैंने अपने हैंड्स पे लगा के भी पूरा एकदम ऐसे रगड़ के एकदम साफ कर लेती हूँ। फेस को रगड़ना नहीं है, मतलब हल्का मसाज देना है इस तरीके से। तो मैं इसको अभी हाथ में ले लेती हूँ और दिखाती हूँ कि इस तरीके से मैंने पूरे अपने फेस पे, देखो इसके तो आई लैसेस के ऊपर भी ये अपना यहाँ पे लगा लिया है मैंने, यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से फेस पे, और अब इसको यहाँ पे पूरा डार्क डार्क थिक थिक लगा लिया है मैंने इसको, ये देखो, एंड अब मैं इसको रखने वाली हूँ 10 मिनट तक। सी यू आफ्टर 10 मिनट्स, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा फेस कैसा दिख रहा है आफ्टर 10 मिनट्स। ये ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत सारा पेस्ट जो है मेरी स्किन में ऑब्जर्व हो चुका है, तो अब बारी इसकी मसाजिंग की। इससे पहले ये सूख जाए मैं इसको मसाज कर लेती हूँ, तो बहुत ही देखो ये ऐसे ड्राई होने लगा है, तो इसीलिए पूरा ड्राई नहीं रख करना है हमको, उसको थोड़ा सा मसाज करना है हल्के हाथों से, ताकि जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है और भी ज़्यादा हमारे अच्छे से स्किन में जाए, और जो डर्ट वगैरह है जो टैनिंग वगैरह है वो अच्छे से इसमें से निकले। तो देखो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है इसीलिए एक ही हाथ से मैं आपको करते हुए दिख रही हूँ, बहुत ज़्यादा सूख गया है, तो इसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना है हमको, इस तरीके से हमको इसको मसाज करना है अपने फेस पे अच्छे से। मैं थोड़ा कैमरा को इधर रख देती हूँ एंड आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से हमको दोनों हाथों से इस पे ऐसे मसाज करना है, एंड ये सबके लिए ही इफेक्टिव है, कोई भी एज हो, किसी भी एज में आप लगा सकते हैं, आप कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज एंड जेंडर यू कैन अप्लाई इट, एंड ब्राइड्स के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट बस सब पैच टेस्ट कर लें बिफोर अप्लाइंग एनीथिंग, बिकॉज किसको क्या पता क्या सूट करे नहीं करे, मुझे तो सूट करता है,
तो इसके अकॉर्डिंग मैं लगा लेती हूँ, तो इसीलिए मेरे ये रिकमेंडेशन है, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना पैच टेस्ट कर लें, बिकॉज ये जो मुझे सूट करते हैं तो इसीलिए मैं लगाती हूँ। तो बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव है। एंड देखो, मैंने इसको इस तरीके से पूरा आंखों के ऊपर भी इस तरीके से पूरा मैंने मसाज कर लिया है, इस तरीके से देखो पूरा ऐसा। ये जो भी टैनिंग वाले जो पोर्शंस होते हैं ये सब क्लीन करना, आपके अंडर आई में क्लीन करना, मुझे तो बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है एंड वो इसीलिए इतने कॉन्स्टेंट है बिकॉज मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा है। बट अगर किया जाए तो सब कुछ ठीक किया जा सकता है गाइज। तो इसीलिए अब इस तरीके से आप इसको मसाज कर ले एंड गिव मी 5 मिनट्स, आई विल वॉश इट एंड आई विल बी प्रेजेंट। सो गाइस अपना फेस वॉश करके आ गए एंड बिलीव मी मुझे इतना ठंडा लगा, मतलब अभी तो 2 2 बज गए हैं एंड 2 बजे दिल्ली के पानी के ठंडे पानी से अपना फेस वॉश करना, मतलब मेरे तो जान ही निकल जाती है। बट DIY करना था, शादी में जाना है, अच्छा दिखना है एंड आपको भी अच्छा दिखाना है, कोशिश तो यही है। तो बस इसलिए मैंने सोचा DIY शेयर किया, रेडी बना जाए अभी आपके सामने में अपने फेस को, देखो क्लियर ट्राई कर दिया एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का मेरा फेस दिख रहा है। आई होप आपको जो चेंजेज है वो दिख जाए, समझ में आए। एक बार में नहीं आता है, 2 3 एप्लीकेशन में तो बहुत ज़्यादा चेहरे पे फर्क नज़र आता है। तो आई होप कि आपको ये मेरे चेहरे पे फर्क दिखे, एंड पता नहीं दिखे कि नहीं दिखे, आई डोंट नो, बट मुझे तो थोड़ा बहुत चेंज दिख रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप 2 3 एप्लीकेशन करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। बैकग्राउंड में जो नॉइज़ हो रहा है उसको अवॉइड करना बिकॉज रात का टाइम है, बट गाड़ियाँ अभी भी चल रही हैं रोड पे, तो इससे थोड़ा आवाज़ आ रहा है। तो बस यही था मेरा आज का DIY, मेरी मम्मी ने बताया था और उनको बहुत इफेक्टिव लगा था, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनाऊँ और लगाऊँ। एंड मुझे मैंने 2 3 एप्लीकेशन कर लिया, मुझे तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट चेंज दिखे। तो मम्मी को थैंक्स भी नहीं बोला अभी तक, थैंक्स भी बोलना है। एंड येस, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें एंड ये एप्लीकेशन करें अपने फेस पे, बॉडी पे, आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। एंड या थैंक यू, लव यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, एंजॉय द वीडियो, और क्या बोलूँ, बाय।